आज की तारीख में तीन फोर्सेस हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो पूरे हिंदुस्तान की हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट है, चाहे 500 है लेकिन उनका वोट है। और ये तीन जो एंटिटीज हैं ना, इनका नाम बता दूं मैं आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चाहे बुढ़िया कितनी ही मर गई हो अभी भी हर विधानसभा में कहीं भी खड़ा करके देख लियो, 500 वोट तो कहीं गए नहीं है, सब जगह उसकी उपस्थिति है। दूसरे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, 56 इंच का सीना भाई और बहनों, अब ये भी इन बहुत सारे दिलों में बसते हैं, अब वो बहुत सारी विधानसभाओं में बसते हैं, ये भी राष्ट्रवादी। और तीसरा नाम है राकेश टिकैत का। आज राकेश टिकैत किसानों तक अपनी बात पहुंचाकर ऐसे लोगों को जो इस सिस्टम से प्रताड़ित थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, साहस नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक बात की फ्रीक्वेंसी नोट करी है, कई जगहों पे जब एक बहू पिटने से मना कर देती है तो मोहल्ले में कई मुकदमे खुल जाते हैं, कई तो अपने आप सुधर जाते हैं। ये तो हमारा तो अच्छे लोगों का देश है। बचपन में हमारी क्लास में क्या होता था, बदमाश के कान पे एक थप्पड़ टीचर मार दिया करता था, बाकी सब अपने आप सन्नाटे में हो जाया करते थे। आपको नहीं लगता टिकैत साहब इतना कच्चा बयान कैसे दे सकते रिजर्वेशन को लेकर? काय के रिजर्वेशन को लेकर? उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, उनका जो अपना एक्सपीरियंस है वो तो, लेकिन ये रिजर्वेशन की कहानी जहाँ की है वहाँ की मैं आपको बता दूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुन लो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रिजर्वेशन इस वजह से रखा गया था कि सामाजिक तौर पे इतिहास की गलतियों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे इस देश के नए नागरिक इतने कमज़ोर हैं कि वो कॉम्पिटिशन में नहीं दौड़ सकते। और हमारे संविधान की एक मूल फंडामेंटल राइट है कि भाई लंगड़ों की दौड़ में लंगड़े दौड़ेंगे और दो टांगों वाले की दौड़ में दो टांगों वाले दौड़ेंगे, ये नहीं किया जाएगा कि दो टांगों वाले के साथ लंगड़े को दौड़ाया जाए। तो ये तय किया गया कि ये जितने कमज़ोर लोग हैं इन्हें आइडेंटिफाई करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो कमज़ोर हैं इनको ये गोली दी जाएगी और ये 10 साल तक दी जाएगी, फिर ये तगड़े होकर सबके बराबर दौड़ने लगेंगे। 70 साल बाद पलट कर देखते हैं तो पता ये चल रहा है कि अब वो 40 की जगह अंदर 400 हो गए हैं दवाई खाने वाले, और 4000 भीड़ शोर मचा रही है कि हमें भी अंदर ले लो। तो इसका मतलब ये है कि दवाई खाने वालों की तादाद भी ज़्यादा हो रही है और आने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। तो आप सहमत हैं? अगर आप इसमें ये देखें कि ओरिजिनल का क्या हाल हुआ, दवाई का असर क्या हुआ है, तो वो मांग रहे हैं डबल डोज, क्या गोली दो तो बोले दो काय की, बोले एक नौकरी में और एक फिर प्रमोशन में। तो अब भाई जब ओरिजिनल वाला एक की जगह दो गोली मांग रहा है, नई गोली मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो देख लो कि तुम दवाई दे रहे हो कि अफीम बांट रहे हो। सर मेरा राइट नाउ रिजर्वेशन एक अफीम की तरीके से काम कर रहा है भारत के सिस्टम को आज के तारीख में। जिस वक्त ये इलाज था उस वक्त ये बहुत बेहतर इलाज था, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये देख लेने पे कि जिन लोगों को ये दवाई मिल चुकी है उनके सामाजिक सुधार हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो इलाज बंद कर दो, और हुआ है इनका तो इन्हें बाहर करके औरों को अंदर ले लो, क्योंकि इनके अंदर भी सब सेक्शंस बन गए हैं। कुछ जातियां इनमें भी हर क्लास के अंदर ऐसी हैं जिन्होंने वो मलाई खा ली, बाकी रह गए। तो सर वकील साहब मेरा सवाल ये, आप सहमत हैं उनके बयान से? देखो जी, वो जातिगत वाली जो बात कहते हैं तो मेरा मानना ये है कि जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर भी, किसी भी आधार पर आप स्टेट के लिए जब ऑफिसर चुन रहे हैं तो कम से कम आज़ादी के 70 साल बाद आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप अपने लिए सबसे योग्य और सबसे अच्छे चुन सकें। तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं। देखिए बहुत दिन से 22.5% का सहमत है ना, इसका मतलब आप उनके बयान से पार्टली बात सही है सिद्धांत रूप में, और तो ज्यादा जो हरियाणा में आंदोलन कर रहे गलत कर रहे हैं, तो उसका भी विरोध करिए आप? नहीं, उस वक्त भी मना कर रहा था, विरोध कर रहे हैं आंदोलन का। सुन लीजिए, उस आंदोलन को इतना ज़्यादा तबाही और बर्बादी वाला मैं बताता हूँ कि यशपाल मलिक, उन्होंने गलत जगह पे गलत तरीके से गलत टाइम पे इस डिमांड को उठाया, उसके पीछे उनकी अपनी राजनीति थी। और उनका क्या आखिर में हश्र हुआ कि जहाँ जहाँ शहादत के बाद धरने चले वहाँ वहाँ धरनों में सब में रकमों के घोटाले के लेके पंचायतें हुई, कौम ने अपने नौजवान बेगुनाह नौजवान शहीद कराए, बदनामी हुई, अराजकता फैली। वो हम अगर पॉलिटिकल होते, हरियाणा के लोग अगर पॉलिटिकल होते तो ये तो उनको छोटा सा सबूत है जो उनको बरगलाया गया। वरना एक बात बताऊं मैं, 1.4% पॉपुलेशन को भूमि कुल है हरियाणा की, पूरे भारत की, और 15% खाद्यान्न में देता है वो, 2% पॉपुलेशन पूरी भारत की उसकी कुल है,
और 11% एनडीए में जेंटलमैन कैंडिडेट देता है, ऑफिसर्स देता है, इन्हें तो छोड़ दीजिए, बाकी जवानों को और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। देश के 25% मेडल इंटरनेशनल लेवल पे हरियाणा लाता है, और देश में सबसे ज़्यादा 36% बेरोजगारी भी हरियाणा में। ये साला डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता कि सरहद पे भी कामयाब, खेत में भी कामयाब, खेल के मैदान में भी कामयाब, और बेरोजगारी में भी नंबर वन, बिल्कुल निकम्मा पैदा करा है। ये हरियाणा के साथ राजनीति हो रही है। तो वहाँ पे जाट आरक्षण एक राजनीति की देन था, मैं उससे तब भी सहमत नहीं था, और आज भी मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन होना चाहिए तो इस बात के लिए होना चाहिए कि एक आयोग बने जो पुनर्विचार करे सबका केस मेरिट पे। अब तो सबके आंकड़े हैं भाई पास। अगर किसी का आज़ादी के टाइम पे 1% रिप्रेजेंटेशन था सरकार के अंदर सरकारी नौकरी में, और आज वो 10% हो गया, तो इसका मतलब इलाज ठीक है। और अगर वो उसके अनुपात के हिसाब से, वरना डेमोक्रेसी में का बेसिक कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या उतना उसकी भागीदारी, ये नहीं कहीं लिखा हुआ है। हमारी कॉमन कलेक्टिव विजडम से ये देश चलेगा। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए सोच पाएगा, औरत औरत के बारे में सोच पाएगी, मुसलमान मुसलमान के बारे में सोच पाएगा, शहर शहर के बारे में सोच पाएगा, तो फिर आपको संपूर्ण नेता मिलेगा कहाँ से? तो आप चाहते हैं कि जाटों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं उसका। जब मैं सारों के रिजर्वेशन पे पुनर्विचार मांग रहा हूँ तो नई लिस्ट में क्यों जुड़वाऊंगा मेरे भाई? इन्हें कौन से की जरूरत है? मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो, ओलंपिक के अंदर रिजर्वेशन है क्या कोई? एनडीए में कॉम्पिटिशन है, 670 में से 70 तो हरियाणा से आते हैं, 2% पॉपुलेशन कुल है। तो जो हरियाणा में आंदोलन हुआ जाटों ने, आंदोलन राजनीति बेकार नहीं था, राजनीति के शिकार हो गए। यशपाल मलिक की तो हैसियत बढ़ गई, सारे लोग शिकार हो गए फिर उसमें, सारे जाट आ गए। सारे जाट, अगर सारे जाट सड़क पे उतर आए होते तो बहुत बड़ी भयंकर मारकाट होती। सुनिए मैं बता दूं आपको उस वक्त की हकीकत। मॉल लुटरा बहन जो यहाँ रोहतक में, क्या जाति प्रमाण पत्र देख के लूटने को दिया गया था कि जाति प्रमाण पत्र दिखाओ और लूटो? सब थे लूटने में, ये लूटने थोड़ी उतरे थे, ये भी इल्ज़ाम है, ये भी चार्ज है। और ये इतना ही नहीं है, एक और बताऊँ इन पर चार्ज, बड़ा सीरियस चार्ज। मुरथल यहाँ से देखा है कभी जाके? होटल और ढाबे कितने हैं मुरथल में? एक दिन ट्रिब्यून अखबार ने यह छाप दिया कि मुरथल के अंदर सामूहिक बलात्कार हो गए हैं, आंदोलनकारियों ने कारें रोक के और महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, और उनके अंतःवस्त्र यहाँ पे मिले हैं। इस वक्त भी मुरथल जाके देख लो यहाँ के कितने लोग वहाँ याची करने जाते हैं, अब भी अंडर गारमेंट्स खेतों में ही फेंक जा रहे हैं वो, तो जिन्हें कितने मिलते हैं। एक जज साहब ने उसका सो मोटो संज्ञान ले लिया चंडीगढ़ हाईकोर्ट के, पंजाब हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के। उसके बाद उन्होंने एक एमिकस क्यूरी नियुक्त कर दिया और उसने 6 रिपोर्ट मंगवाई, हरियाणा पुलिस ने 6 बार रिपोर्ट लगाई कि कोई केस कोई कंप्लेंट किसी तरीके की हम पे कोई शिकायत नहीं आई है। वो तो अच्छा हुआ कि वो जज साहब बालाजी तीर्थ करने गए थे, वहाँ हार्ट अटैक से मर गए, फिर दूसरे जज के यहाँ गया तब जाके वो एक्सेप्ट हुई। वरना कम से कम 500 लोग कई साल तक जेल में पड़े रहते, हाईकोर्ट भुगतते रहते, आर्यन खान से बुरा हाल बना दिया होता। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको नहीं लगता टिकैत साहब भी राजनीति करने लगे? अरे कभी समीर वानखेड़े पे भी पूछ लिया करो भाई, टिकैत साहब इतना पुराना हमेशा टॉपिक लेके चलते, जब वो नया करेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा। नहीं नहीं, राजनीति नहीं लग रही आपको उनके लिए? वो आगरा तो चले जाते हैं एक दलित की मृत्यु में, लेकिन वो वहाँ नहीं जाते, पंजाब में सिंघू बॉर्डर गए? गए नहीं? गए नहीं, गए ना सिंघू बॉर्डर, ये उसी दिन पहुँच गए थे जिस दिन ये हरकत हुई थी। और यहाँ पे सब प्रेस वालों से, इवन सोशल मीडिया से भी कह दिया था जब तक हमारे नेता बयान नहीं देंगे हम कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन एक ने आके पहले वो धर्म से जोड़ रहे थे, फिर बाद में वो कह रहे वो जाति से जोड़ने लगे। अरे कहीं ना कहीं तो जोड़ना है भाई साहब। एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ, ये जिन्होंने ये SC ST का मुद्दा उठाना चाह, कल भी था ये मुद्दा वहाँ पे, ये जो सब करना चाह रहे हैं इनके पास, इन्हें ये नहीं मालूम है आप कई तरीके के मोबाइल आते हैं और कई तरीके की पिन आती हैं। अभी इनके हाथ में पिन सी लग गई है एक, और सबके छेद में घुचड़ घुचड़ के देख रहे हैं जिसमें फिट हो जाए क्या भाई। क्यों तुम तो यार जैक का भी नाश कर दोगे, मैं पिलक तो जाना चाहिए था, कहीं तो कनेक्शन जुड़े। तुम जो चिंता करते हो इनकी, ये बहुत अच्छी चिंता करते हो। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ जितने लोग आते हैं सवाल पूछने, इसमें सबसे ज़्यादा सम्मान मैं इनका करता हूँ। मैं कई बार कह भी चुका हूँ, कॉमेंट में जब मेरे दोस्त एनालिसिस करके मुझे बताते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये आदमी तुम्हारे हिस्से की भी 90% गालियाँ खा जाता, ही इज़ वेरी फेयर टू यू।
तो मैं तो इनकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। टिकैत साहब हरियाणा में जाते हैं, लगातार जा रहे हैं, और यूपी में रहते हैं, नहीं नहीं, और देश भर में घूमते रहते हैं। सवाल तो सुन लीजिए, और कभी कभी वो गाजीपुर बॉर्डर भी आते हैं, हमें भी दर्शन होते हैं। टिकैत साहब कहते हैं मजदूरों और किसानों का आंदोलन है हरियाणा के जींद जिले में, 150 परिवारों को, दलितों को जाटों ने बहिष्कार कर दिया, उसकी एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। अरे पिछले 1.5-2 महीने से मुद्दा चल रहा है हरियाणा में, वहाँ के मजदूरों को बाहर, जींद में चलो मुझे लेके चलो, तुम खर्चा करो, मुझे लेके चलो, मैं उनकी पंचायत में कह के आता हूँ, बहिष्कार खत्म करवा दूंगा। अरे भाई चौधरी देवीलाल पे किताब लिखी है मैंने, मैं जानता हूँ हरियाणा के जाटों को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ठेका आपने ले रखा, लेके मैं चलूंगा। ये तुम ठेकेदारी पे क्यों तरी आते हो एकदम? और क्या है, ठेकाई तो है। अरे चिंता नहीं कह सकते उसे कि इन्हें भी चिंता है उनकी, सारी चिंता मेरे हिस्से में। चलो एक तरफ का किराया तुम दे दियो, मैं दे दे रहा हूँ।